आज है 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर से बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज है उनको देखेंगे। सबसे पहले बेसिक स्कूलों में तैनात होंगे शिक्षक साथी, और दूसरी जो महत्वपूर्ण न्यूज है वो ये इस प्रकार से है कि किन जिलों में आज का अवकाश रहेगा वो आपको बताएंगे, क्योंकि काफ़ी भारी बारिश के कारण, मौसम विभाग की भारी बारिश के कारण विभिन्न जिलों में जिला स्तर अवकाश घोषित किए गए हैं। तो बेसिक स्कूलों में तैनात होंगे शिक्षक साथी। ये धामपुर जिले के बेसिक स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जल्द ही शिक्षक साथी के रूप में सेवानिवृत्त शिक्षकों को तैनाती दी जाएगी। विभाग ने पत्रावली तैयार कर अनुमोदन के लिए डीएम को भेज दी है। बीएससी का कहना है कि जैसे ही फाइल पास होकर आती है तैनाती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हालांकि अभी कितने शिक्षक साथियों की तैनाती होगी इसकी कोई भी गाइडलाइन राज्य परियोजना विभाग से प्राप्त नहीं हुई है। बीएससी ने बताया कि जिले में कुल 2119 स्कूल हैं, इनमें से 375 स्कूल कंपोजिट है, बाकी प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल हैं। राज्य परियोजना शिक्षा विभाग की ओर से सभी स्कूलों में सरकार के मानकों को पूरा करने, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शिक्षक साथी के रूप में विभाग के सेवानिवृत्त शिक्षकों को 2500 रुपये प्रतिमाह मानदेय पर संविदा पर रखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, बरेली जिले में एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट जिला देखेंगे बुलंदशहर। बुलंदशहर में 10 और 11 दो दिन का अवकाश घोषित किया गया है। कासगंज में देखें तो यहाँ पर 10 और 11 दो दिन का अवकाश घोषित किया गया है। वहीं बरेली में एक दिन का अवकाश है। अलीगढ़ में अगर देखा जाए तो 10 और 11 दो दिन का अवकाश घोषित किया गया है। मथुरा जिले में देखा जाए तो 11 अक्टूबर तक यानी कुल दो दिन 10 और 11 तारीख का अवकाश घोषित किया गया है। और वहीं पर कानपुर देहात में देखा जाए तो 10 अक्टूबर को अवकाश घोषित किया गया है। नेक्स्ट यदि बदायूं जिले में देखें तो यहाँ पर 10 और 11 अक्टूबर का अवकाश घोषित किया गया है। आगरा जिले के दिन देखा जाए तो 10 और 11 तारीख को अवकाश घोषित किया गया है। और यहीं 10 और 11 आगरा का है, जिला विद्यालय निरीक्षक का, वही कक्षा 1 से 12 तक के, यहाँ पर नर्सरी से 12 तक के विद्यालय बंद रहेंगे। वहीं जालौन की यदि बात करें तो यहाँ भी 10 अक्टूबर को अवकाश घोषित किया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं फतेहपुर। तो मौसम विभाग के अनुसार फतेहपुर में यदि देखा जाए तो 10 अक्टूबर को सभी विद्यालय बंद करने का आदेश जारी किया गया है। शामली जिले में 10 तारीख का अवकाश रहेगा, एक दिन का अवकाश रहेगा। वहीं औरैया जिले में सभी विद्यालय, चाहे वो किसी भी बोर्ड को, नर्सरी से लेकर 8 तक के, 10 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। और इसके बाद में हरदोई की बात की जाए तो यहाँ पर 1 से 12 तक के विद्यालय 10 अक्टूबर को बंद रहेंगे। नेक्स्ट है सीतापुर जिले में, यहाँ पर 10 अक्टूबर को अवकाश घोषित किया गया है। अब यहाँ पर देखें लखनऊ जिले में, तो यहाँ पर बीएससी महोदय द्वारा कक्षा 1 से 12 तक, जो भी है जिला विशेष शिक्षा अधिकारी लखनऊ द्वारा कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालय 10 अक्टूबर को बंद रहेंगे। उन्नाव जिले में भी एक दिन का अवकाश 10 अक्टूबर को घोषित किया गया है। वहीं रायबरेली की बात की जाए तो यहाँ भी कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय 10 अक्टूबर को बंद रहेंगे। कासगंज जिले में 10 और 11 अक्टूबर को विद्यालय बंद रहेंगे। और वहीं हापुड़ जिले की बात करें तो यहाँ भी 11 तारीख को विद्यालय खोलेंगे, 10 तारीख को यहाँ भी विद्यालय बंद रहेंगे। पीलीभीत जिले की बात की जाए तो यहाँ पर भी 10 तारीख को अवकाश घोषित किया गया है। और इसके बाद में बहराइच में देखा जाए तो 10 तारीख को अवकाश रैनडे के रूप में हुआ है। और इसके बाद में बहराइच के बाद में संभल की बात की जाए तो यहाँ भी 10 अक्टूबर को अवकाश घोषित किया गया है। वहीं शाहजहाँपुर की बात करें तो यहाँ भी 10 अक्टूबर को घोषित किया गया है अवकाश। और यहाँ पर हम देखते हैं कानपुर देहात, यहाँ पर 10 अक्टूबर का अवकाश है। फर्रुखाबाद में देखा जाए तो यहाँ पर सभी विद्यालय 10 तारीख को बंद रहेंगे, 10 तारीख का अवकाश घोषित किया गया है। वहीं सिद्धार्थनगर की बात करें, यहाँ पर 10 और 11 तारीख को अवकाश घोषित किया गया। विद्यालय में अध्यापक, शिक्षा में अनुदेशक उपस्थित होकर विभागीय कार्य में संलग्न रहेंगे, यहाँ ये भी आदेश निकाला गया है। बदायूं में दो दिन का अवकाश है। से जो भी अभी तक सूचना मिली है उसके आधार पर इन दिनों में अवकाश घोषित किया गया है। इटावा जिले में भी अवकाश 10 तारीख को घोषित कर दिया गया है, जिसका आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि ये जानकारी जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से कक्षा 1 तक के विद्यालय बंद करने के लिए आदेश है, एक दिन का 10 अक्टूबर का।